अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है आपका। होप्स आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है ना, वो इस बारे में है कि मैं अपना 2 मंथ का एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे सब कुछ देखा है वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि कैसे क्या कब हुआ। तो यहाँ पे मैं आया हूँ, सही है, 2 महीने मुझे हो गए हैं और आया हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है ना, वो ये होती है कि आपने देखना होता है कि, और प्लस पॉइंट जो होता है कि आपका कोई रिलेटिव, भाई, कोई जानने वाला दोस्त कोई यहाँ हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, ठीक है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है काम, ठीक है। तो कोई टेंशन नहीं रहती, कोई वो नहीं होता। अब जैसे मैं आया, ये मेरा भाई यहाँ होता है, ठीक है, 3 साल से, तो हम सीधा सीधा इनको पिक करने भी चले गए और बाकी सब चीज़ें, लाइक यू नो, मतलब अगर आपका कोई बंदा जेन्युइन हो यहाँ पे, जैसे आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई दोस्त है, स्पेशली दोस्त हो गया या भाई हो गया, सो आपके लिए ये आपको टेंशन नहीं होती कि यार आप आएंगे तो रहेंगे किधर, आप आएंगे तो पिक कौन करेगा, आप आएंगे तो जॉब कैसे होगी या क्या होगा, मतलब ये चीज़ आपकी टेंशन थोड़ी कम होती है। टेंशन फिर भी स्टूडेंट्स लेते हैं, बट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपके पास कोई है तो आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इसके बाद जो है ना, वो दूसरी बात ये होती है कि एकोमोडेशन का क्या होगा भाई, लेने तो आ गए, ठीक है, और अब ये है प्लस पॉइंट कि अगर एक बंदा यहाँ है तो फिर एकोमोडेशन की भी टेंशन नहीं है, आपको पता है यार वो है वहाँ रह लेंगे, ठीक है, अगर दोस्त है तो वहाँ रह लेंगे, बाद में अपना जब हो जाएगा सेटअप तो चेंज कर लेंगे, ठीक है, अगर भाई है तो दोनों साथ ही रह लेंगे, उसमें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ये है कि एकोमोडेशन की टेंशन चलेगी, ठीक है। तीसरी बात ये कि रहा, अब इस जगह को हम समझेंगे कैसे, क्योंकि तो अपने मुल्क में तो हम रह रहते हैं, हमें आदत होती है वहाँ की, हाँ जी यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये करना है, यहाँ पे ऐसे करना है, रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, ठीक है, वो टेंशन होती है कि यार इस जगह के क्या रूल होंगे, ट्रैफिक के क्या रूल होंगे, ठीक है। तो वो जो बंदा होता है वो आपको थोड़ा गाइड कर सकता है, सारा कुछ गाइड कर देता है, हाँ जी ऐसे 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 सब कुछ है यहाँ पे। जैसे कि अब इसने ड्राइविंग जो है, ये दूसरे तीसरे दिन आया तो मुझे कहता है यार मुझे ड्राइविंग चलाना सिखाओ, तो पहले तो मैं उसको जो है अपने साथ वाली सीट पे बिठा के, बिकॉज यहाँ पे फाइंस बहुत होते हैं अगर आप यहाँ पे, क्योंकि सब रूल्स के हिसाब से कहते हैं, अगर तो आप रूल पे चलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ना एक्सीडेंट ना फाइन, लेकिन अगर आप रूल से निकलेंगे, लाइन से निकलेंगे, तो एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं और फाइन जो है बहुत हैवी आते हैं, $200, $300, $400, $500। सो पहले जो है आप कोशिश करें कि जिस बंदे के पास आप आ रहे हैं तो उसके साथ आप दूसरी सीट पे बैठे, ठीक है, उसको कि आपको बताए सारे रूल, वो किस तरह चला रहा है, किस जगह पे रुक रहा है, किस साइन पे कितनी देर रुकना है, किस किस जगह कैमरे हैं, कैमरे किस रोड पे कितना रहना है, भाई ओवर स्पीड तो आप कभी भी ना जाए, और गलियों में तो कभी भी स्पीड ना मारें, अगर तो कोई बंदा या बच्चा आपके सामने आ गया या कुत्ता भी निकाल गया और आपने उड़ा दिया तो भाई फिर आपके लिए जो है ना मसला ही मसला हो जाएगा। सो मेक श्योर करें कि पहले जो है आप उस बंदे के साथ बैठे 2-3 दिन, जब आपको सही तरह पूरा पता चल जाए, और ख़ुद ना अपना जिस भी स्टेट में आप आएंगे उसका जो है वो, बेशक आपका लाइसेंस इंटरनेशनल हो आप गाड़ी उस पर चला सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जिस भी स्टेट में आप आएंगे उसका जो है वो, जो गाड़ी चलाने के यहाँ जितने रूल्स हैं उसकी ऐप, हर स्टेट की अपनी ऐप होती है, तो वो आप ऐप जो है वो ज़रूर डाउनलोड करें, और कभी भी गाड़ी चलाने से पहले जो है उस ऐप पे 99 100 या कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनको आप 3-4 दफ़ा रिपीट जो है वो उनको आंसर दें और उनको समझने की कोशिश करें। देन जब आप ड्राइव कर लेंगे आप पजल नहीं होंगे, बिकॉज जब आप खुद ड्राइव करेंगे आपको पता है आपने गलत नहीं करना, यहाँ पे फाइन आएगा, स्पीड नहीं मानी, कुछ नहीं करना। सो अगर आप एक दफ़ा वो सारी 3-4 दफ़ा वो ऐप से आप गुजर जाएंगे तो आपके लिए बहुत ईजी होगा, आपको सारा रूल्स रेगुलेशन, पार्किंग कैसे, कहाँ पे कितनी देर, सब कुछ जो है वो समझ आ जाएगा। अगली बार हाँ, इसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि अब आ गए हैं यहाँ पे, ठीक है, एकोमोडेशन भी होगी, ले भी आया कोई, ठीक है, रह भी लिया, ठीक है, इंजॉय भी कर लिया, 4-5 दिन उस बंदे ने आपको इंजॉय भी करा लिया। फिर आती है जी अगली टेंशन जॉब की, कि अब जॉब ढूंढनी है, जॉब ज़रूरी चीज़ है क्योंकि फ़ीस पूरी करनी है, ये है वो है, रेंट देना है, सारा हिसाब किताब है, ठीक है। फिर अब अगर कोई बंदा है तो प्लस पॉइंट कि उससे पता है जॉब कैसे ढूंढनी है, किधर किधर, या उसको पहले से पता हो कि आप आ रहे हो तो वो पहले से भी तैयारी करके रख सकता है आपकी जॉब की, ठीक है, कहीं रेफरेंस हो सकता है, रेफरेंस भी चलता है, लेकिन कोशिश लगती है, मेहनत लगती है जॉब ढूंढने में, आपको बड़ी चीज़ों से गुजरना पड़ता है जॉब ढूंढने में, तो मेन चीज़ आ जाती है जॉब ढूंढना। तो यार जॉब का यही है कि या तो आपका कोई बंदा यहाँ पे आपको 100% गारंटी दे दे कि यार आप आएंगे तो जॉब जो है उसने ढूंढी होगी,
सो आपके लिए कोई इतना मसला परेशानी नहीं होगी. सो दैट्स वेरी गुड केस. अदरवाइज ये होता है कि आप जॉब्स गमट्री ऐप, जैसे कि मैंने लास्ट कोई वीडियो भी बनाई थी जॉब्स के लिए, तो उसमें आप गमट्री ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या मुस्लिम आप मेरी जॉब वाली वीडियोस देख सकते हैं. उसमें मैंने आपको ऐप्स भी बताई हैं, वेबसाइट्स भी बताई हैं कि आप किस तरह अपना एक्सपीरियंस बना सकते हैं, ठीक है. और आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, उसमें अपना एक्सपीरियंस डाल के आप अच्छी सी एक सबसे मेन चीज़ आप सीवी कैसे बनाते हैं, प्रोफेशनल टाइप की सीवी बनाएं. कोई भी जो बंदा यहाँ पे पुराना है उससे डेमो लें सीवी का, और उसमें जो अपनी एडिटिंग वगैरह करके आप सीवी बनाएं, ठीक है. और जिस जॉब के लिए अप्लाई करें ना, उसके बारे में आप गूगल पे, यूट्यूब पे थोड़ी वीडियोज़ और कुछ चीज़ें सर्च कर लें, जैसे वेयर हाउस में कर रहे हैं या किसी भी इंडस्ट्री में कर रहे हैं. इससे ये फायदा होगा कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए वो कॉल भी करता है या पूछता भी, हाँ भाई आपने पहले किया है या चलो अपने होम कंट्री में ये काम किया, ठीक है, बेशक किया या नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. पर अगर आपने आप वो लिखते हैं भाई, हाँ मैंने अपने होम कंट्री में ये काम किया और मैं यहाँ पे ये काम करता, तो देन आप एटलीस्ट जो है वो अपने यूट्यूब या गूगल से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रखें कि जब वो आपसे पूछे कि हाँ भाई ये काम ऐसे होता है, तो आप उसको जो है वो बता सकें. तो मेन यही होता है कि बाकी तो सारे आते, मतलब आप आके साथ जो है वो थोड़ी बहुत जो ऊबर एड से ये ऐप्स है वो तो कर सकते हैं, बट जॉब के लिए यही है, अगर आपका बंदा पहले से ढूंढ के रखता है वेल एंड गुड. बट दूसरा तरीका ये है कि आप सारी जगह जो है वो अप्लाई करें, और स्पेशली कस्टमर सर्विस के लिए या पेट्रोल स्टेशन वगैरह इन जगहों पर आप अपनी जो है वो हैंड सीवी जो है वो प्रिंट करके और वो भी जाके जो है वो दे सकते हैं. अच्छा, ये बात होगी जी जॉब की, ठीक है. अब आपकी जो जॉब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है जॉब ढूंढने के लिए. ये भी होगा कि आप जाएंगे भी, इंटरव्यू देंगे भी, और वो नहीं रखेंगे, ठीक है. तो आप ये है कि थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पहले से सर्च करके हैं कि यार कौन कौन सी जॉब्स वहाँ होती हैं, उसके बारे में कुछ यहाँ पे मैं कर सकता हूँ, अभी मेरा जाने में महीना है या मेरा वीज़ा आएगा, तो आप पहले से थोड़ा उस फील्ड में थोड़ा कर लें, तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा. सही है. तो यार ओवरऑल यही होता है कि जब भी आप एज ए नए स्टूडेंट आते हैं, ठीक है, ये मेरा भाई है छोटा, तो सारी बात अगर ये आ रहा है तो मैं तो इसके लिए जितनी ज़्यादा आसानी है, जितनी डिफ़िकल्टीज मैंने देखी हैं, जो जो मुझे फेस करना पड़ा है, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा ये फेस ना करे, ठीक है. और भी कोई बंदा आ रहा है जो मैं फ़िलहाल एडिलेड में हूँ तो इधर आ रहा है, अगर वो इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज हो करे, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको या कोई भी हेल्प चाहिए, अगर मैं जब कर सकूँ हेल्प तो ऑफकोर्स मैं हेल्प करूँगा. बट बाकी यही है कि कोशिश करें कोई जेन्युइन बंदा, ठीक है, आप अपना जाने वाला निकालें जब आप इधर आ रहे हो. सो उससे आपको देखो मेन हेल्प होती है जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं, दैट्स इट. उसके बाद हर बंदा मैनेज करता है. जब आपकी एक दफ़ा जॉब लगी, रूटीन लगी, यू कैन मैनेज वेरी इजीली, यू नो. बट मेन थिंग यही होती है कि जो फर्स्ट 2 वीक्स होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं, कि आपको रहने के लिए चाहिए, खाने के लिए चाहिए, ठीक है. हम अपनी करेंसी यहाँ से कन्वर्ट करें तो फिर बहुत वो हो जाता है ना, तो खाने के लिए थोड़ा हो जाए, रहने के लिए जगह मिल जाए टेम्प्रेरी, जब तक जॉब वगैरह नहीं लगती और जो है ना जॉब लग जाए. उसके बाद जो है आपका आस्ता आस्ता साइकिल चलता रहेगा, देन आप रूटीन में आ जाएंगे, देन आपको इतना वो जो है वो नहीं होगा. तो यार यही है आज की वीडियो. सो ये था फात का एक्सपीरियंस. सो आई होप मेन चीज़ ये है कि आपने ना पहली चीज़ है वही वाली बात आ जाती है कि आपने घबराना नहीं है, ठीक है. हालात आते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है. आप आए हैं, ठीक है, आपके घर वालों ने आपको भेजा है, कुछ आपको समझ के भेजा है, तो आपने घर वालों को वो बन के दिखाना होता है. तो घर वालों ने आप पे ट्रस्ट किया, उनको लगता है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है. सो बात वही है कि अपने घर वालों को जब भी आप नहीं आएंगे 2-3 दिन तो जहन में आएगा ही आएगा, ये ऑटोमेटिक चीज है, ये जितने भी लोग आते हैं सबके जहन में आता है. बट कोशिश करें कि आप अपने आप को किसी और चीज में बिजी करें, ताकि आपको जो है वो घर की ज्यादा या उस तरह की चीजों की थोड़ा, और जब आप जॉब की एक रूटीन में लग जाएंगे, आपकी रूटीन बन जाएगी, देन आप जो है वो उस चीज से जो है वो निकल जाएंगे, इतना आपको जो है जो है वो सोच नहीं आएगी. तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी. सो कोई भी हो क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं. सो कोई और वीडियो आपको चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें. मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफिज़.